नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टेक चैनल में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ यूज किए जाते हैं। यह क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, तो सही से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस और डिवाइस है जो अपने में से करंट का फ्लो नहीं होने देता है। इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे इसमें जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि इंसुलेटर मटेरियल कितने कौन कौन से होते हैं। इंसुलेटर मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, रबर, ईयर, बूट, ग्लास, माइका और पोर्सिलिन होते हैं। बट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कुछ लिमिटेड मटेरियल का उपयोग किया जाता है, जैसे पोर्सलिन, गिलास और पॉलीमर। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। सबसे पहले हम देखते हैं पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में उपयोग किया जाता है। इसका लगाना बहुत ही आसान होता है। पिन इंसुलेटर जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ एक ग्रोव होता है। इसमें वायर को रख कर वाइंडिंग वायर की मदद से तार की मदद से बांध दिया जाता है। आप दूसरी फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से बांधा जाता है। अलग अलग वोल्टेज के लिए पिन इंसुलेटर का साइज और शेप अलग अलग होता है। जैसे 11 kV लाइन में हम लोग ये वाला पिन इंसुलेटर यूज करते हैं, तथा 33 kV में हम लोग ये वाला इंसुलेटर यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। दोनों पिन इंसुलेटर का उपयोग 33 kV, दोस्तों पिन इंसुलेटर का उपयोग 33 kV तक ही यूज किया जाता है। इसके ऊपर इसका उपयोग अन इकोनॉमिकल हो जाता है, क्योंकि इसका साइज वोल्टेज के साथ साथ बढ़ता जाता है। इसलिए पिन इंसुलेटर का उपयोग 33 kV तक ही किया जाता है। अब हम दूसरा इंसुलेटर देखते हैं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। यह जनरली ट्रांसमिशन लाइन में यूज किए जाते हैं। सस्पेंशन बनाने के लिए डिस्क का उपयोग किया जाता है। इसमें कई सारे डिस्क सीरीज में जोड़कर सस्पेंशन बनाया जाता है। जैसे कि आप टावर में फोटो में देख सकते हैं कि अपने डिस्क सीरीज में लगे हुए हैं। नॉर्मली एक डिस्क की वोल्टेज कैपेसिटी होती है 11,000 वोल्ट। आपने लेकिन लाइन में देखा होगा 11 kV में कहीं 1-2 डिस्क लगाई जाती हैं और 33 kV में 3 या 4-5 डिस्क लगाई जाती हैं। ये जनरली इसलिए लगाई जाती हैं कि यदि मेरी कोई डिस्क पंचर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो मेरी लाइन में ब्रेकडाउन नहीं आएगा, मेरी लाइन कंटिन्यूस चलती रहेगी। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा इंसुलेटर है वो है सेकल टाइप इंसुलेटर। सेकल टाइप इंसुलेटर एलटी वियर कंडक्टर में यूज किया जाता था। आपने गांव में या अपने एरिया में पुराने समय में देखा होगा कि पहले हमारी जो एलटी सप्लाई आती थी उसमें 5 वायर होते थे, उनके बीच में जो इंसुलेटर लगा होता था उसको हम सेकल इंसुलेटर बोलते हैं। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट इंसुलेटर है पोस्ट इंसुलेटर। पोस्ट इंसुलेटर का उपयोग सबस्टेशन में किया जाता है। पोस्ट इंसुलेटर बहुत ही मजबूत होते हैं। इसका सबस्टेशन में इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि सबस्टेशन में जो भी वसवार और इक्विपमेंट होते हैं उनका वजन बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर मजबूत इंसुलेटर चाहिए होते हैं, इसलिए वहाँ पर पोस्ट इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। यह भी पिन इंसुलेटर जैसा ही होता है। इसमें इसको हम 765 kV तक यूज किया जा सकता है, बट जैसे जैसे वोल्टेज लेवल बढ़ता जाता है तो इसका साइज बढ़ता जाता है। पोस्ट इंसुलेटर का उपयोग एवी स्विच में भी किया जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट इंसुलेटर आता है स्टे इंसुलेटर, और जिसको हम गाय इंसुलेटर भी कहते हैं। इसका यूज पोल को सपोर्ट देने वाले वायर के बीच में किया जाता है। इसका उपयोग भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किया जाता है। आप जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं वायर के बीच में हमने एक इंसुलेटर यूज किया है। इसी को हम गाय इंसुलेटर या फिर स्टे इंसुलेटर कहते हैं। इसका उपयोग तब होता है जब लीकेज करंट स्टे वायर में आ जाता है तो वह इंसुलेटर तक ही रह जाता है, जिससे कि कोई भी अनहोनी नहीं होती है और जनहानि नहीं होती है। इसका उपयोग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा सकता है। आप इसकी वाइंडिंग देख सकते हैं। यदि मेरा किसी वजह से स्टे इंसुलेटर टूट भी जाता है तो मेरा स्टे ब्रेक नहीं होगा और वो एक दूसरे में फंस जाएगा। दोस्तों, ये था हमारा एक इंसुलेटर से रिलेटेड वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। यदि इसके बाद भी आपके इंसुलेटर से रिलेटेड कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी आपके जो क्वेरीज हैं उनके आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।